हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आपका चैनल में राकेश बाइक रिपेयरिंग में। दोस्तों आज के वीडियो में हम ये जो न्यू मॉडल FZ आई है वर्जन 3S और इसके डिस्पैड चेंज करेंगे। तो दोस्तों ये देखते हैं, ये है इसके डिस्पैड है और ये देखिए दोस्तों इसके डिस्पैड बिल्कुल ख़राब हो गए। ठीक है दोस्तों, तो इसके डिस्पैड चेंज करेंगे तो किस तरीके से चेंज करते हैं, क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ती है और किस तरीके से खोलें, किस तरीके से लगाएं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है, तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम अपनी वीडियो में आ गए हैं, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ये 22 नंबर वाला ये नट खोलना है और 5 नंबर एलंकी से ये दो बोल्ट खोलने हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम इसे खोल लेते हैं और खोल के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये पहिए का मेन नट होता है, तो इसे हम आराम से खोल लेंगे और खोलने के बाद इसमें एक वॉशर लगी होती है, इसे भी हम निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये दोनों खोलने के बाद अब हमको क्या करना है, एलंकी वाले बोल्ट लगे होते हैं यहाँ पे दो, वो हमको खोल लेने हैं, ढीले कर लेने हैं, बिल्कुल खोलने नहीं है ढीले, क्योंकि इसको यहाँ पे इसलिए ढीले कर ले रहे हैं क्योंकि खुलने के बाद ये ढीले नहीं हो पाते हैं, इस वजह से हम इसे ही ढीले कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये दो 5 नंबर एलंकी वाले बोल्ट ढीले कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमने ढीले कर लिए हैं, अब हमको क्या करना है, अब हमको ये एक्सल जो है, ये वाला जो एक्सल है इसको बाहर करना है। ठीक है दोस्तों, तो बाहर पूरा निकाल देना है। तो दोस्तों इसको हमने बाहर निकाल दिया है, अब हम क्या करेंगे, ये मशीन होती है इसको हम थोड़ा आगे खसकाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आगे खसका करके ये मशीन हम निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से मशीन ये पूरी निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये निकल गई है, तो थोड़ा हम इसको ऊपर कर देते हैं। इस तरीके से हम मशीन पूरी निकाल लेंगे और इसमें एयर पाइप लगाएंगे। यहाँ पे ये नट बना होता है, ये मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे ये नट बना होता है, इसको हम खोल लेंगे और इसमें पाइप लगाएंगे। तो किस तरीके से लगाते हैं ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से एयर पाइप ले लीजिएगा और इसमें यहाँ पे इस तरीके से फंसा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसको फंसाने से ये होगा कि इसकी जो एयर होती है वो निकलेगी नहीं और बाद में आपको दिक्कत नहीं देगी। और इसको ऊपर रखिएगा इस तरीके से, जिस तरीके से मैं ऊपर रख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आपको क्या करना है, ये रिंच ले करके ये वाला नट जो है वो खोल देना है। ये खोलने से क्या होगा दोस्तों, ये जो पंप होता है, ये हमारा जो पंप होता है, ये पंप हमारा दब जाएगा इस तरीके से, देखिए दोस्तों। तो दोस्तों किसी पेचकस की मदद से इसको पुश करिएगा तो ये आराम से दब जाएगा। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से दब गया है। ठीक है दोस्तों, ये दिख रहा होगा आपको, ये पंप दब गया है। ठीक है दोस्तों, अब हमको क्या करना है, इसके दोनों नट, ये जो दोनों नट होते हैं ये दोनों हम खोल लेंगे, जो हमने 5 नंबर एलंकी से ढीले किए थे। ये दोनों नट खोल लिए हमने, अब हमको क्या करना है, इसको ये पुश करके ये नट निकाल लेने। ठीक दोस्तों, ये जो नट होते हैं पूरे खोल दें, ये इस तरीके से निकाल लेंगे, ये भी निकाल लेंगे और ये भी निकाल लेंगे। तो दोस्तों इसको भी हम निकाल लेते हैं, इस तरीके से निकाल लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये नट निकाल लिए, और ये नट निकालते ये दोनों डिस्पैड जो हैं वो आपके आराम से बाहर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब बाहर आने के बाद अब हमको क्या करना है, सबसे मेन काम होता है वो देखिएगा आप, इसमें पत्ती लगी रहती है, पत्ती भी मैं आपको दिखाऊँगा किस तरीके से लगानी है। देखिए दोस्तों, ये पत्ती इसमें लगी रहती है, तो ध्यान रहे दोस्तों पहले ये मैच कर लीजिएगा। और ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से होता है, तो इसमें ये पत्ती लगी रहती है और पहले हम इसको जोड़ देंगे, इस तरीके से जोड़ देंगे, और ये जो गोल वाला निशान पत्ती में बना होगा वो उसी में लगाना है जो जिसमें से निकाला था। तो इस तरीके से हम जोड़ देंगे तो ये गोल वाला निशान इस पर लगेगा और जो नॉर्मल वाला है वो उस पर लगेगा। तो ये गोल वाले निशान वाली पत्ती हम निकाल लेते हैं, नॉर्मल से ऐसे ही निकाल लीजिएगा, इसमें कुछ फंसा नहीं रहता, इस तरीके से निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से निकालने के बाद इसको हम फिट कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमने फिट कर दिया, अब दूसरी वाली पत्ती भी इसमें लगाएंगे
तो दूसरी वाली भी हम निकाल लेते हैं, इस तरीके से निकल जाएगी और इस तरीके से फिट कर देंगे। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों ये दोनों पत्तियां हमने फिट कर ली है। अब फिट करने के बाद हम इसको सेट करेंगे। सेट किस तरीके से करना है, जिस तरीके से हमने खोला था उसी तरीके से सेट करना है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों ये जो गोल वाली पत्ती का निशान है वो पंप की तरफ रहेगा इधर साइड, और ये जो नॉर्मल वाला है वो इधर साइड रहेगा। तो इस तरीके से हमको फंसा देना है, ये हम दोनों फंसा देंगे। और फंसाने के बाद हमको क्या करना है, एलेंकी बोल्ट जो होते हैं जो हमने खोले थे उसको जिस तरीके से हमने खोला था उस तरीके से फिट कर देना है। ठीक है दोस्तों, ओके, उसको भी फिट कर देंगे। तो दोस्तों दोनों नट फिट हो गए। अब दोनों नट को हम टाइट कर देंगे, और टाइट करने से पहले इसको हम अलग अलग कर लेंगे, अपनी अपनी जगह पे सेट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से पेचकस की मदद से अलग अलग पे सेट कर दीजिएगा जिस तरीके से हमने किया हुआ है। ठीक दोस्तों, ये अलग अलग ये फैल गया है, और फैल के जैसे ही फैल जाएगा वैसे ही हम इसको नट को टाइट कर देंगे जिस तरीके से हमने खोला था। तो दोस्तों ये पूरा हो गया है, अब हमको क्या करना है, इसको फिट करना है। फिट किस तरीके से करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इसमें जो बुश होता है, बुश इसके अंदर जो लगा होता है, मैं आपको पास से दिखा दे रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें बुश लगा होता है एक इस तरीके का, ये देखिए दोस्तों ये बुश होता है, पहले हमको ये बुश फंसा लेना है। ठीक है दोस्तों, और ध्यान दें दोस्तों पूरी रॉड नहीं निकालनी है, अगर पूरी ये रॉड निकाल देंगे इसकी तो ये आपको फंसाने में कुछ ज़्यादा दिक्कत होगी, और ये आधी रॉड निकालेंगे तो इसको फंसाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको हम आराम से फंसा लेते हैं पहले। तो दोस्तों ये देखिए इस तरीके से फिक्स हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, सिंपल से इसको पीछे कर लेना है, आराम से पीछे हो जाएगा। और पीछे करने के बाद इसको सेंटर में मिला करके, जो एक्सेल हमने बाहर निकाला था थोड़ा सा, उसको हमको मिला करके अंदर दे कर देना। तो दोस्तों ये अंदर हो गया है, अब हमको ये थोड़ा सा एडजस्टर, ये जो होगा ये आला जो एडजस्टर होता है, ये यहाँ पे एडजस्टर लगता है, इसको भी हमको मिला करके और इसको खोल देना है। तो दोस्तों ये पूरा फिट हो गया है, ये देखिए दोस्तों पूरा सेट हो गया है। अब हमको क्या करना है, अब हमको इसका नट लगाना है, और नट लगा करके इसको टाइट कर देना है। इसके बाद ये एलेंकी बोल्ट टाइट कर देंगे। टाइट कर दिया, अब ये पाइप निकाल देंगे। पहले पाइप निकालने से पहले ये जो 8 नंबर ये जो बोल्ट हमने ढीला किया था इसको भी हम टाइट कर देंगे। ये टाइट हो गया, अब इसको पाइप को हम निकाल देंगे। देखिए दोस्तों इसमें ऑयल निकल रहा है, ये जो ऑयल ओवर वाला होता है वो निकल जाता है। इसको हम फिक्स कर देंगे। अब हम पहिया घुमा के चेक करेंगे कि देखिए दोस्तों ब्रेक इसकी नहीं लग रही है, लेकिन अब हम पंप इसको चला करके देखेंगे। तो देखिए दोस्तों इसका ब्रेक काम करने लगी है, ये देखिए दोस्तों पहिया रुकने लगा है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा बिल्कुल फिक्स हो गया। अब हमको क्या करना है, इसका जो ऑयल लेवल होता है, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑयल लेवल लगता है, इसको ऑयल लेवल चेक करेंगे, ऑयल कम तो नहीं है। ऑयल लेवल किस तरीके से चेक करना है ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों ये पूरा डिस्क ब्रेक का काम हो गया, अब हमको ऑयल लेवल चेक करना है। तो ऑयल लेवल चेक करने के लिए 10 नंबर गोटी से इसको हम खोल लेंगे। ठीक दोस्तों, इस तरीके से खोल लेंगे, ये 10 नंबर नट निकाल लेंगे। और इसमें दोस्तों ऑयल आप घर पे भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ जो भी हमारे मैकेनिक भाई हैं उनके लिए। तो दोस्तों इस तरीके से खोल लेंगे, खोलने के बाद हमको पेचकस से ये दो स्क्रू लगे रहते हैं, इसमें दो स्क्रू लगे रहते हैं, स्क्रू हम खोल देंगे। ये देखिए दोस्तों दोनों स्क्रू खुल गए। ध्यान रहे दोस्तों इसमें कचड़ा ना जाने पाए, अगर कचड़ा चला गया तो दिक्कत हो जाएगी फिलहाल। और इसको हम खोल लेते हैं।
ये नट लंबे वो नट होते हैं, इस तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, दोनों नट निकाल लेते हैं हम, इस तरीके से निकाल लेंगे। और उसके बाद ये ढक्कन हम हटा लेंगे, और उसके बाद एक ये ढक्कन हटा लेंगे, और उसके बाद ये रबड़ होती है इसको भी हम खोल लेंगे। ठीक दोस्तों, तो देखिए दोस्तों इसमें लो दिख रहा है आपको, यहाँ पे ऑयल दिख रहा है। अब इसको हम पूरा फुल करेंगे। तो फुल किस तरीके से करना है, ये मेरे पास ऑयल रखा हुआ है, जो डिस्क ब्रेक का ऑयल होता है वो अलग होता है, तो मैं डिस्क ब्रेक का इसमें ऑयल डालूंगा। 35-40 रुपए की आपको डिस्क ब्रेक का ऑयल मिल जाता है। और जो ये डिस्क पैड होते हैं, ये जो डिस्क पैड होते हैं, ये मेरे को लोकल मार्केट में मैं 300 रुपए के आसपास लाया हूँ, और कंपनी में जो ओरिजिनल होते हैं वो आपको 900 रुपए के आसपास मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरीके का ऑयल होता है, जो डिस्क ब्रेक ऑयल होता है, तो इसके हम पूरा करेंगे। देखिए लेवल में लो दिखा रहा है, तो इसको हम पूरा कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने इसको पूरा कर दिया। अब इसको हम बांध देंगे जिस तरीके से खोला था। तो दोस्तों ये जो पैकिंग होती है, इसको हम पुश कर देंगे, अंदर कर देंगे। ये जब ऑयल कम हो जाता है तब ये पैकिंग खुल जाती है। तो इसको हम अंदर कर देंगे, इस तरीके से अंदर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम पैक कर देंगे। ये पैक कर दिया, अब इसकी दूसरी वाली पैकिंग भी हम लगा देंगे इस तरीके से, और इसका जो ढक्कन होता है, जिस तरीके से खोला था उसी तरीके से फिट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, और दोनों बोल्ट लगा देंगे। दोनों बोल्ट लगाने के बाद इसको हम टाइट कर देंगे। हल्के हाथ से टाइट कीजिएगा, ज़्यादा टाइट ना कीजिएगा, क्योंकि इसमें प्लास्टिक चूड़ी होती है और ख़राब होने का डर रहता है। ठीक दोस्तों, इस तरीके से टाइट कर दीजिएगा। अब इसको हम नट फिट कर देते हैं इसको वापसी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम दोस्तों देखिए ब्रेक लगा करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए ब्रेक है, इसको हम पुश करेंगे, और ये हमारा जो व्हील होता है, व्हील भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये व्हील मैं आपको घुमा करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ब्रेक हमारी काम कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना है कि इसके डिस्क पैड जो होते हैं किस तरीके से चेंज करें, और कितने के आते हैं, और किस तरीके से फिट करें, कौन कौन से टूल लगते हैं, सब कुछ मैंने आज की वीडियो में बताया। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी आपको, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, और वीडियो में अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो प्लीज़ हमें कमेंट बताइए, और हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इंस्टाग्राम ID राकेश बाइक रिपेयरिंग के नाम से है, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।